Hello everyone, welcome to PrepIAS. My name is Dimple Nankani and we continue with the series. ये geography lecture में आपका series है जो कि आपके prelims के लिए important है upcoming prelims examination में. आज का जो lecture है that is lecture number 9 and in this lecture we are dealing with volcanism and hotspots. So let us begin. What is volcanism? What is a volcano? We will try to understand. Volcanism is basically a process through which your magma, जो magma होता है वो form होता है. मैग्मा ऊपर आता है और मैग्मा आपका ऊपर आने के बाद यू हैव दी लावा दैट इज कमिंग अप. सो व्हाट इज वोल्केनिज्म? यू हैव मैग्मा, दिस मैग्मा राइजेस, मैग्मा फॉर्म्स लावा, दिस लावा कम्स आउट एंड इन दिस प्रोसेस इट फॉर्म्स वेरियस लैंडफॉर्म्स. द लैंडफॉर्म्स विच आर एक्सट्रूसिव इन नेचर एंड द लैंडफॉर्म्स विच आर इंट्रूसिव इन नेचर. तो आपके एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं. इस पूरे प्रोसेस को आप वोल्केनिज्म कहते हैं. और वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज बेसिकली अबाउट द प्लेस फ्रॉम विच द लावा इज कमिंग आउट. वो प्लेस है जहाँ से गैसेस, एशेस, लावा बाहर आता है. और ये जो चीज़ें बाहर आती हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लावा एंड मैग्मा. साथ साथ क्या क्या आता है आपके साथ? डस्ट, गैसेस, एश पार्टिकल्स, आपके रॉक्स भी साथ में आते हैं. तो वॉट इज अ वोल्केनिज्म? इट्स अ प्रोसेस. द प्रोसेस इन वॉट इन विच अ मैग्मा इज क्रिएटेड एंड देर इज अ movement of the magma and associated with them are the various landforms. There can be various landforms which are related with cooling and solidification of the magma. And what is a volcano? Volcanism is a place where gases, ash, molten rocks, that is lava, they are trying to escape to the ground. Or kya kya material hote hain? Aapki material, they are like lava flows, you have pyroclastic debris, volcanic bombs hote hain, ash hain, dust hain, gases hain, जैसे कि नाइट्रोजन गैसेस, सल्फर गैसेस, हाइड्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, ये सब आपके गैसेस भी निकलते हैं. तो गैस, डस्ट, डेब्रिस, रॉक्स, मोल्टन रॉक्स, दे ऑल एक्चुअली कम आउट, राइट? सो दिस इज अबाउट द वोल्केनो, वोल्केनिज्म एंड द वेरियस मटेरियल दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर वोल्केनिज्म. तो जब ये वोल्केनिज्म आता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लावा का. तो हम लावा के टाइप देखते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लावा बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट? बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट व्हाट आर द टाइप ऑफ लावा? जितना ज़्यादा आपके लावा के अंदर सिलिका होगा उतना आपका वॉल्केनो एक्सप्लोजिव होगा. एज यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, ये वाला जो लावा है ये बहुत ही बेसिक, इसका लावा जो है इसमें बहुत कम सिलिका है. सिलिका इज लेस देन 40%. When silica is less than 40%, look at the way the lava is flowing. The lava is flowing very smoothly. बहुत smoothly lava flow रहा है, explosion हो नहीं रहा है. तो ये basic आपका lava है. और एक होता है acidic lava, where the lava is coming out in explosive manner. बहुत ही thick, pasty liquid होता है. ये thick, pasty liquid आपके बाहर आता है, इसको आप acidic lava कहते हैं. So आप lava के कैसे कैसे type हैं? One is then the silica is greater than 65%. जब silica is very very high, तो ऐसा lava कैसा होता है? This is called as the acidic magma या acidic lava. ये जो lava है ये बहुत ही sticky होता है, बहुत ही pasty होता है, इसलिए आप इसको viscous भी कहते हैं. ये इस तरफ जो हम दिखा रहे हैं ये acidic lava है. ये बहुत ही powerful आपके eruptions देता है. आपका acidic lava as you can see काफ़ी powerful आपके eruptions देता है. Then the second type of lava is your intermediate lava. So acidic bhi nahi hai aur basic bhi nahi hai. Agar acidic mein silica content is greater than 65%, intermediate mein the silica content is somewhere around 45 to 65. So your 55 to 65 kuch aapka silica ka content hota hai. ये जो सिलिका का कंटेंट है, ये जो सिलिका है, इट इज नॉट जस्ट फ्लोइंग पर ये थोड़ा इतना एक्सप्लोजिव भी नहीं है. तो ये भी पेस्टी होता है और ये भी थिक और विस्कस की तरह ही होता है, बट उतना नहीं विस्कस होता है जितना एसिडिक लावा होता है. कमिंग ऑन टू द बेसिक लावा विच इज़ वेरी फ्लूइड, विच इज़ वेरी फ्लोई, विच इज़ फ्लोइंग विदाउट एनी एक्सप्लोजन. सो दिस इज योर बेसिक लावा, बहुत ही फ्लूइड है. ये स्प्रेड करता है लाइक लावा शीट्स और इससे आपके बसाल्टिक प्लाटूज बनते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपके प्लाटूज बन रहे हैं. कोई वॉल्केनो पीक नहीं बन रहा है, कोई कोन नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपके प्लाटूज बनते जा रहे हैं. दैट इज़ योर बसाल्टिक प्लाटू. जो हमारा इंडिया में डेकन लावा प्लाटू है वो बेसिक आपके लावा से ही बना है. दिस वॉज बेसिकली वॉट इज़ वॉल्केनिज्म, वॉट इज़ वॉल्केनो, वॉट इज़ अ मैग्मा एंड लावा. यू नो क्या क्या चीज़ें आती है अलॉन्ग विथ वॉल्केनिज्म. लावा के भी दो टाइप होते हैं. Based on the silica content, majorly two types,
the acidic lava and the basic lava. Moving on, so this was the type of lava. Then we have to understand that लावा के ये जो हमने टाइप देखा, एक और इसमें एक टाइप आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ग्रेनाइटिक लावा या ग्रेनाइटिक मैग्मा. तो हमने देखा बेसिक लावा स्मूथ होता है, फ्लोई होता है, आपका फ्लूइड होता है, धीरे 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 आपका फ्लो होता है. बट ये जो होता है ये विस्कस होता है, एसिडिक लावा, ये थिक होता है, ये एक्सप्लोजन क्रिएट करता है. जब एसिडिक लावा और भी विस्कस हो जाए, जब इसकी सिलिका कंटेंट और भी बढ़ जाए, 65 के भी ऊपर हो जाए, आप ऐसे लावा और नियरली 70-75% आपका सिलिका हो जाए, तो आपका ऐसा मैग्मा वो बाहर ही नहीं निकल पाता और अंदर के अंदर ही सॉलिड हो जाता है. इसको आप कहते हैं ग्रेनाइटिक मैग्मा या ग्रेनाइटिक लावा. सो ग्रेनाइटिक मैग्मा और ग्रेनाइटिक लावा, ये अंदर ही आ जाता है और ये आपके अंदर ही आपका मैग्मा चेम्बर सॉलिडिफाई हो सकता है. तो दिस इज योर ग्रेनाइटिक मैग्मा. सो दिस इज द टाइप ऑफ द लावा. यू हैव बसाल्टिक, यू हैव एसिडिक एंड यू ऑल्सो हैव, यू हैव बेसिक, यू हैव एसिडिक एंड यू ऑल्सो हैव द ग्रेनाइटिक मैग्मा. मूविंग ऑन, हम वॉल्केनो देख रहे थे, हमने वॉल्केनिज्म क्या होता है देखा, वॉल्केनो का क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं, लावा के क्या टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट. अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब आपका मैग्मा निकलता है, जब आपका मैग्मा बाहर निकलता है तो वो कैसे बाहर निकलेगा. दो तरीके से आपका मैग्मा बाहर निकल सकता है. एक तो आपका फिशर बना के बाहर निकले, यानी डीप लॉन्ग क्रैक. इट इज नॉट क्रिएटिंग वन वॉल्केनो, इट इज जस्ट अ डीप लॉन्ग क्रैक. सो एज यू कैन सी इट हियर, देयर इज अ डीप लॉन्ग क्रैक दैट इज बीइंग डेवलप्ड. यू हैव अ डीप लॉन्ग क्रैक हियर, यू हैव अ डीप लॉन्ग क्रैक हियर. द मटीरियल इज कमिंग फ्रॉम अ डीप एंड अ लॉन्ग क्रैक एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट. वेंट मीन्स हाउ इज फ्रॉम वॉट एंगल, फ्रॉम वॉट प्लेस वेद मैग्मा इज कमिंग आउट. तो क्या डिरेक्शन से मैग्मा आ रहा है, क्या लेंथ से मैग्मा आ रहा है, उसको आप बोलते हैं वेंट. तो मैग्मा आपका एक छोटे से जगह से बाहर आ सकता है या एक लंबा से जगह से बाहर आता है. जब वो लंबी जगह से बाहर आता है उसको आप बोलते हैं फिशर. दिस इज द फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो और द फिशर टाइप ऑफ वेंट. जब वो एक छोटे से जगह से बाहर आ रहा है उसको आप बोलते हैं सेंट्रल वेंट. सेंट्रल वेंट इज समथिंग लाइक दिस. A central vent is something like this, whereas a fissure is a long deep crack. If this is your plateau or this is your region, in this region you can have a deep long crack. This deep long crack is leading to coming off of magma. So you can see there can be two types of vent from which the magma is coming out. It can be a fissure vent or it can be a central vent. So aap mujhe bataye jo fissure vent hota hai wo kaise lava se, usme se kaisa lava niklega. बेसिकली आप देख रहे हैं कि फ्लूइड लावा निकल रहा है. तो वो फ्लूइड लावा निकल रहा है तो बेसिकली कैसा लावा निकल रहा है, बेसिक लावा निकल रहा है. यही जब लावा एसिडिक होता है तो एक्सप्लोजन में आता है तो आपका सेंट्रल वेंट बनता है. तो हमने देखा कि टाइप ऑफ लावा और टाइप ऑफ वेंट्स क्या होते हैं. एज आई मूव ऑन इसके बेसिस पे कि कैसा आपका वेंट है और कैसा आपका लावा है, इसके बेसिस पे आपके कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कट एज वेल एज व्हाट इज द टाइप ऑफ द लावा, यू कैन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. यू कैन हैव अ फिशर वॉल्केनो. कैन यू सी, यू कैन सी देयर इज अ डीप क्रैक, देयर इज अ डीप क्रैक. सो यू कैन ईदर हैव अ फिशर वॉल्केनो. इसका जो लावा है काफी ही जेंटल स्लोप का लावा रहेगा, ये फिशर है और ये जनरली क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है. दिस इज बेसिक इन नेचर. जब कोई सेंट्रल वेंट हो तो आपके कैसे टाइप के वॉल्केनो बन सकते हैं, आपका शील्ड वॉल्केनो बन सकता है, आपका डोम वॉल्केनो बन सकता है. यू कैन हैव ऐश एंड सिंडर कोन, यू कैन हैव कंपोजिट कोन एंड यू कैन सी देयर इज अ कैल्डेरा कोन ऑल्सो. तो ये किसके बेसिस पे टाइप है, on the basis of the type of the lava or the type of the magma, one that is this, and it is also based on how is the vent. Is the vent a long deep crack, a long deep crack, or a vent a small hole, that is also telling me that what can be the type of a volcano. Sabse lamba jo hota hai, that is your fissure volcano. You can see it is very large in size. As it is large in size, it gives largest of the region. Example क्या होगा इसका, Deccan lava plateau. Deccan lava plateau जो इंडिया में है, जो पूरा lava plateau है वो fissure से बना है
और वो आपका इतना फ्लूइड लावा था, इतना फ्लूइड मैग्मा था कि आपको ग्रेट प्लेटू दिया है। इससे थोड़ा सा जो फिशर वॉल्केनो है, इससे थोड़ा सा जब आप एसिडिटी बढ़ा देते हैं, इससे थोड़ा सा जब आप सिलिका का कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो आपको एक टाइप ऑफ वॉल्केनो मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज दी डोमल वॉल्केनो। ठीक है, सो व्हाट इज अ फिशर बेस्ड, यू विल हैव अ प्लेटूस, यू विल हैव डी, यू हैव वर्टिकल प्लेटूस, यू हैव हॉरिजॉन्टल प्लेटूस। व्हाट इज अ डोम शेप्ड, इट इज समथिंग लाइक अ डोम। इसका जो स्लोप होता है वो कैसा है, द स्लोप इज वेरी वेरी जेंटल, द स्लोप इज वेरी वेरी जेंटल, एज यू कैन सी द स्लोप इज वेरी जेंटल। ये भी काफा आपका लार्ज रीजन बनाएगा, बट इट विल नॉट बी एज लार्ज एज, इट विल नॉट बी एज लार्ज एज व्हाट, इट विल नॉट बी एज लार्ज एज अ फिशर वॉल्केनो। तो यहाँ पे आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स स्लोप होता है, इसका लावा बहुत थिक हो सकता है, फास्ट कूल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है डोम वॉल्केनो के, यू कैन हैव एग्जाम्पल्स लाइक हवाई, हवाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डोमल वॉल्केनो। इसके बाद जब थोड़ा सा लावा में आप और आप सिलिका बढ़ा दें, तो आपको अलग अलग टाइप के वॉल्केनो मिलेंगे, आपको एश सिंडर कोन मिल सकता है, कॉम्पोजिट कोन मिल सकता है और कैल्डेरा कोन मिल सकता है। तीनों को समझेंगे कि एश सिंडर कोन क्या है, कैल्डेरा क्या है और कॉम्पोजिट क्या है। हमने फिशर देख लिया था, फिशर इस मैंने कहा कि देयर इज अ डीप लॉन्ग क्रैक, यू कैन सी ये प्लेटूज बनाते हैं, दैट यू कैन व्हेन आई सेड डोम, दे हैव जेंटल स्लोपिंग, दे हैव जेंटल स्लोप, दे हैव अ सेंट्रल वेंट एंड दे आर लाइक अ डोम, दे अपीयर लाइक अ डोम। इसका एग्जाम्पल हमने देखा हवाई। अब हम देखते हैं जो तीन टाइप के आपके कोन बनते हैं, सेंट्रल वेंट से बनते हैं, यू कैन हैव एश सिंडर, यू कैन हैव अ कैल्डेरा एंड यू कैन हैव अ कॉम्पोजिट वॉल्केनो। तो पहले कॉम्पोजिट को समझते हैं। कॉम्पोजिट जैसे आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, हमने एक चीज देखी कि इसमें क्या होता है, कॉम्पोजिट में कॉम्पोजिट नाम से पता पड़ रहा है कि आपकी कॉम्पोजिट लेयर्स होंगे। कॉम्पोजिट लेयर्स यानी क्या, जब आपका वॉल्केनो बना तो उससे कई सारी चीजें बाहर आई, लावा आया, ऐश आई, गैस आया, रॉक मोल्टन रॉक्स आए। तो कॉम्पोजिट में क्या होता है, एक लेयर आपकी आती है लावा की, यू कैन सी देयर इज अ लेयर ऑफ लावा दैट इज कमिंग अप। इसके बाद एक लेयर आती है आपकी ऐश की, इसके बाद फिर एक लेयर आएगी आपकी लावा की, उसके बाद फिर एक लेयर आएगी आपकी ऐश की। तो ये कंटिन्यूसली आपका आपकी ऑल्टरनेट लेयर्स आ रही हैं, ऐश की लावा की, ऐश की लावा की, तो आपको क्या बन जाएगा, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो हैज एन ऑल्टरनेट लेयर ऑफ लावा, हैज एन ऑल्टरनेट लेयर ऑफ ऐश, हैज एन ऑल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा, हैज एन ऑल्टरनेटिव लेयर ऑफ ऐश, दैट इज व्हाट इज द कॉम्पोजिट वॉल्केनो। व्हेन आई से ऐश सिंडर वॉल्केनो, ये ऐश सिंडर वॉल्केनो में ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, द मोर प्रोपोर्शन इज ऑफ ऐश, अब ऐश ही ऐश आपको दिखेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐश सिंडर कोन में और कॉम्पोजिट लावा में, कंपोजिट कोन्स में, कंपोजिट में लावा भी है ऐश भी है, लावा भी है और ऐश भी है, और ऐश सिंडर में जनरली क्या है, ऐश सिंडर में जनरली आपका ऐश निकलता है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ वॉल्केनो दैट इज कॉल्ड एज द कैल्डेरा वॉल्केनो। बेसिकली कैल्डेरा वॉल्केनो इज सो एक्सप्लोजिव, वो इतना एक्सप्लोजिव होता है कि वो जब बाहर निकल रहा है मैग्मा, इट इज सो विस्कस, इट इज सो एक्सप्लोजिव दैट इट कम्स ऑन इटसेल्फ, इट फॉल्स डाउन ऑन इटसेल्फ, और एक बहुत बड़ा सा आपका होल बन जाएगा, एक बहुत बड़ा सा वेंट बन जाएगा, कॉल्ड एज अ कैल्डेरा। एज यू कैन सी दिस इज योर बिग होल, दिस इज द बिग होल एंड हियर यू हैव द एंटायर ऐश, एंटायर लावा, एंटायर मैग्मा फॉलिंग ऑन इटसेल्फ, दिस इज योर कैल्डेरा। एज यू कैन सी द वॉल्क इन द वॉल्केनो इन द ओपनिंग वेंट, the magma is falling on itself and it is not coming out, this is forming a very big hole called as the caldera. So we were talking about the types of volcano based on what, the vent and the based of the composition of the lava and the ash. You can have various type of volcanoes. Ek hota hai aapka fissure volcano, so fissure volcano yani ek lambe crack se aapka magma nikal raha hai, fissure volcano. सेकेंड आपका यू हैव योर द कॉम्पोजिट कोन्स जिसमें कॉम्पोजिट लेयर्स बन रही हैं, एक आपका डोम होता है जिसमें भी लावा अभी भी आपका बेसिक ही है, जेंटल स्लोप दे रहा है, आपका कॉनिकल नहीं बन रहा है बट एक डोम शेप्ड बन रहा है, और एक होता है ऐश सिंडर कोन जिसमें से ऐश इज
कमिंग आउट। एक और होता है आपका, दैट इज योर कैल्डेरा, वेयर द मैग्मा इज सो विस्कस दैट इट इज फॉलिंग डाउन ऑन इटसेल्फ। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ वोल्केनो बेस्ड ऑन द लावा एज वेल एज बेस्ड ऑन द वेंट। मूविंग ऑन, हमने लावा भी वोल्केनिज्म में देखा कि वोल्केनिज्म से क्या क्या निकलता है। तो आपके ऐश निकल सकती है, आपकी एसिड रेन हो सकती है, आपके पायरोक्लास्टिक फ्लो होते हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी रॉक्स जो बहते जा रहे हैं और जो कि अर्थक्वेक से एसोसिएटेड है, जो कि वॉल्केनो से एसोसिएटेड है। पायरो का मतलब होता है फायर, क्लास्टिक का मतलब द वन हु इज स्टिकिंग टू ईच अदर। सो फायरी मटेरियल दैट कीप्स ऑन स्टिकिंग टू इट्स ईच अदर इज कॉल्ड एज पायरोक्लास्टिक फ्लो। और ये बह रहा है लाइक अ फ्लो। यू कैन हैव दियर ऑल्सो यू कैन सी पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये जो ऐश फॉल है इसको आप टेफ्रा भी कहते हैं। ऐश इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेफ्रा। और जो पानी की तरह आपके रॉक्स बहते हैं इसको आप कहते हैं लहर। सो लहर आर वॉट द रॉक्स दैट आर फ्लोइंग लाइक द वॉटर। सो दीज आर द अर्थक्वेक, दीज आर द वॉल्केनो एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके साथ आपका लैंडस्लाइड भी होता है और अर्थक्वेक भी होता है। सो दिस इज वॉट यू हैव एसोसिएशन, दिस इज वॉट इज द मटीरियल दैट इज एसोसिएटेड विथ योर वॉल्केनो। Moving on, we were looking at the volcanism, various type of lava, various type of volcano, and what are the major constituents associated with the volcano. Now we will deal with this is how your volcanism is. आपका magma बना, magma ऊपर उठा, magma ऊपर उठने के बाद आपका lava बनेगा। और in this process, जब magma ऊपर उठ रहा है lava के form में, you can see कि magma अलग अलग जगह से निकल सकता है। जहां पे भी उनको जोन ऑफ वीकनेस दिखेगी, मैग्मा वहां वहां से ऊपर उठता जाएगा। तो जब मैग्मा अलग अलग जगह से उठता है, अलग अलग फॉर्म लेता है, अलग अलग शेप लेता है, इन सब के कारण आपका क्या बनता है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो एक होता है एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, एक होता है इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी अर्थ की क्रस्ट है, दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट। On the Earth's crust, you can have a volcano, volcanic cone. This is a volcanic cone. You have the Earth's crust. In the Earth's crust, you can have a volcanic cone. ठीक है, ये क्या है? ये है आपका extrusive feature. और जो crust के अंदर होता है, आपको पता है कि crust का average kilometer is 17 kilometer. 30 to 60 किलोमीटर। तो क्रस्ट के अंदर जो बनेगा वो क्या बनेंगे, वो आपके बनेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल सिल है, डाइक है, लोपोलिथ है, पैकोलिथ है, लैकोलिथ है, बैथोलिथ है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। एक एक करके इन लैंडफॉर्म्स को समझते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट बैथोलिथ, वो क्या होता है, पैकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट देम। पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को समझते हैं। जब लावा अंदर के पोर्शन में ठंडा होता है, अलग अलग फॉर्म लेता है, तो आप इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। उसमें से सबसे एक, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज अ बैथोलिथ। यू कैन सी दिस इज बैथोलिथ। योर लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मा, बहुत बड़ी मैग्मा की बॉडी कहाँ कूल हो रही है, एट अ डीपर डेप्थ। आपके डीपर डेप्थ में मैग्मा की बॉडी कूल हो रही है। ये लार्ज एरियाज अक्वायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, and they also assume great depth. They also assume great depth as 17 kilometers. तो 17 से 20 किलोमीटर तक अंदर तक होते हैं और लार्ज किलोमीटर्स को भी अक्वायर करते हैं। ये है आपका बैथोलिथ। ये हमने देखा था जो लावा होता है तीन टाइप के हो सकते हैं, बेसिक, एसिडिक और ग्रेनाइटिक। ये होती है बेसिकली ग्रेनाइटिक मैग्मा से, ये बनता है आपका ग्रेनाइटिक बॉडी, दिस इज द ग्रेनाइट। So these are granitic bodies. They are basically cooled magma chamber. तो ये magma chamber ही cool हो गया और आपको क्या दे दिया उसने, batholith. This was the first intrusive landform called as a batholith. Moving on to the other intrusive landform. Another intrusive landform is your lacolith. ये जो lacolith है ये mushroom shaped के जैसे दिखता है. So you have like a shape of the mushroom. So you have a pipe, you have a conduit, you have a mushroom. मशरूम। सो यर दिस मशरूम शेप्ड इंटीरियर मैग्मा, इनर मैग्मा इज कॉल्ड एज लैकोलिथ। व्हेन आई टॉक अबाउट लैकोलिथ, व्हाट आर लैकोलिथ, दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी। ये लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी है।
विथ अ बेस बींग कनेक्टेड बाई अ पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो। सो इसका जो बेस है ये आपका डोम शेप्ड है, डोम शेप बॉडी है जिसका बेस आपके पाइप से कनेक्टेड है, कॉन्ड्यूट से कनेक्टेड है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो लैकोलिथ। ये कैसा होता है, ये बेसिकली रिजेंबल कर रहा है आपके वॉल्केनिक डोम को, जैसे वॉल्केनिक डोम होते हैं वैसे ही, बट आपका डोम देखा आपने ऐसा होता है डोम, ये वॉल्केनिक डोम की तरह होता है क्योंकि ये डोम का शेप है, बट ये कहाँ मिल रहा है, ये आपको इंटीरियर में मिल रहा है, इट इज फाउंड एट द इंटीरियर डेप्थ। बेसिकली हो सकता है कि ये एक लोकलाइज वॉल्केनो रहा, यहाँ पे आपका लोकलाइज वॉल्केनो आ रहा था, यहाँ से आपका लोकलाइज वॉल्केनो आ रहा था बट देन बाद में बंद हो गया। तो इट इज पॉसिबल दैट अ लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा कैन कम ऑन टू द सर्फेस, दिस इज योर लैकोलिथ। एग्जाम्पल्स आपको ऐसे इंडिया में कई सारे दिखेंगे, कर्नाटका प्लेटू में, कर्नाटका प्लेटू में कई सारे आपको लैकोलिथ दिखेंगे। तो यू हैव, और ये लैकोलिथ जो होते हैं ये आपको बेसिकली डेकन लावा, डेकन ट्रैप में भी आपको मिलते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट आर द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज बैथोलिथ, द सेकेंड इंटरेस्टिंग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज लैकोलिथ। देर कैन बी अनदर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स लाइक फैकोलिथ, लाइक सिल, शीट, डाइक, फैकोलिथ, लैपोलिथ। तो लोपोलिथ इज नथिंग बट द डिपोजिशन इन अ सॉसर शेप। हमने देखा कि अलग अलग तरीके से डिपोजिशन हो सकता है, अगर सॉसर शेप्ड के डिप्रेशन में है तो आप उसको बोलोगे लोपोलिथ, बैथोलिथ एकदम अंदर होता है, मशरूम शेप्ड में है, डोमल शेप्ड में है तो उसको बोलोगे लैकोलिथ। आपका लैपोलिथ क्या होता है, सॉसर शेप में। फिर हम देखते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ बेसिकली आपका लेंस शेप में होता है, इट इज देयर इन लेंस शेप। हमने जब फोल्ड माउंटेन्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होता है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होता है, दिस इज एंटीक्लाइन, दिस इज सिंक्लाइन। तो फैकोलिथ कहाँ बनता है, एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन या एट द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन। तो आपके टॉप ऑफ एंटीक्लाइन में या बेस ऑफ सिंक्लाइन में एक लेंस शेप्ड के तरीके से डिपोजिशन को आप क्या कहते हैं, फैकोलिथ। सॉसर शेप को कहते हैं लोपोलिथ, लैकोलिथ इज मशरूम शेप, बैथोलिथ इज कूल्ड मैग्मा चेम्बर फाउंड एट अ वेरी ग्रेट डेप्थ। देन मूविंग ऑन, एक होता है अंदर से ही आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको बोलते हैं सिल, दैट इज थिकर बॉडी, एंड यू हैव अ शीट, शीट इज अ थिनर बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आपका कूलिंग हुआ है तो सिल, सिल ना, सिल इज अ थिकर वन, शीट इज अ थिनर वन। देन यू हैव डाइक, वॉट इज अ डाइक, आप ये देखेंगे डाइक इज नथिंग बट जब अपेंडिकुलर फॉर्म में आपका आपका मैग्मा कूल हो रहा है, इफ द मैग्मा इज कूलिंग इन अ परपेंडिकुलर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज डाइक। दीज वर योर इंक्लूसिव लैंड फॉर्म्स। वी वर लुकिंग एट वॉल्केनिज्म, वॉल्केनो, द टाइप ऑफ लावा, द टाइप ऑफ द वॉल्केनोस, वॉट आर द इंक्लूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म। मूविंग ऑन, वी विल नाउ लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनो। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, वॉल्केनो कहाँ कहाँ होता है, वॉल्केनो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे होता है। तो ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है जहाँ पे आपका वॉल्केनो रहेगा, आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे वॉल्केनो रहेगा। तो यू कैन सी एट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यू हैव द वॉल्केनो, हियर ऑल्सो एट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यू हैव द वॉल्केनो। सो वॉट आर वी हैविंग, वी आर लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनो। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मिड ओशनिक रिज, आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला जो बेल्ट है, मिड ओशनिक रिज, स्पेशली दी अटलांटिक ओशन में जो आपका रिज है, दैट इज योर डाइवर्जेंट बाउंड्री। वेन आई टॉक अबाउट द कन्वर्जेंट बाउंड्री, वी हैव द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे टूवर्ड द एशियाटिक साइड आपका हो रहा है ओशन, ओशन कन्वर्जेंस, टूवर्ड्स अमेरिकन साइड यू हैव ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। और आपके वॉल्केनिज्म के बेल्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये भी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है इंडियन ओशन में, दिस इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ द इंडियन ओशन। यहाँ पे भी आपको वॉल्केनिज्म दिखेंगे, आपको वॉल्केनिज्म मेडिटेरेनियन के पास भी दिखेगा, स्पेशली जब आपका मेडिटेरेनियन बन रहा है कन्वर्जेंस के कारण, जहाँ पे अफ्रीका प्लेट कन्वर्ज कर रही है यूरेशियन प्लेट के कारण। तो वी हैव वॉल्केनोज अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ अटलांटिक, अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्री एट इंडियन ओशन, अलोंग द कन्वर्जेंट बाउंड्री एट द पैसिफिक ओशन, अलोंग या मेडिटेरेनियन सी एंड द अदर नियर बाय रीजन।
इसके बाद हम एक और यूनिक टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ते हैं जिसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट को आप मेंटल प्लूम भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटल प्लूम। ये मेंटल प्लूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंटल से एक कंटिन्यूस आपका वॉल्केनिज्म हो रहा है। यू कैन सी एट द मेंटल बाउंड्री, एट द मेंटल कोर बाउंड्री देर इज अ लोकलाइज्ड वॉल्केनो, देर इज अ लोकलाइज्ड पाइप दैट इज गिविंग अप दी लावा। तो यू हैव दिस वन, सी दिस इज नॉट फाउंड एट एनी प्लेट। ये प्लेट की बाउंड्री पे नहीं दिख रहा है मेंटल प्लूम, ये प्लेट की बाउंड्रीज पे नहीं दिख रहा है, पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पे नहीं है, इंडियन ओशन में नहीं है। यू डोंट हैव दिस अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, तो ये प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं है, बट ये प्लेट के अंदर हो सकता है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में हो सकता है, आपका यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो ये प्लेट के अंदर ही आपका एक रीजन है, दिस इज अ प्लेट, इसकी प्लेट की बाउंड्रीज में तो वोल्केनिज्म हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की इंटरेक्शन क्या है। बट समझो प्लेट के बीचों बीच या प्लेट के अंदर अगर कहीं से वोल्केनिज्म आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट का जो रीजन है ये आपका लोकलाइज्ड है, ये मूव नहीं करता है। अब देन यू व्हाट, तो ये जब मूव नहीं करता है तो अब हमने इसको यूज किया है एज अ एविडेंस ऑफ दी प्लेट टेक्टोनिक। व्हाट इज अ हॉटस्पॉट, व्हाट इज अ मेंटल प्लूम, अ लोकलाइज्ड वॉल्केनो। कहाँ से आता है, मेंटल से आता है, डीपर मेंटल से ये आता है, ये लोकलाइज्ड है, ये इंट्रा प्लेट है, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूस वॉल्केनिज्म हो रहे हैं। दो एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सी, वन एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दी मेंटल प्लूम एट हवाई, यू कैन सी दिस इज अ हवाई हॉटस्पॉट, एंड द अदर एग्जाम्पल दैट यू कैन सी इज दी फ्रेंच रियूनियन हॉटस्पॉट। यहाँ पे फ्रेंच रियूनियन के भी नीचे आपका ऐसे एक मेंटल प्लूम है, आपका एक लोकलाइज सोर्स ऑफ वोल्केनो है। वॉट इज अ हॉटस्पॉट, इट इज अ मेंटल प्लूम लोकेटेड विद इन अ प्लेट, प्लेट के बीचों बीच या प्लेट के बीच में। तो ये इंट्रा प्लेट होते हैं, प्लेट के अंदर होते हैं, दे आर इंट्रा प्लेट वोल्केनो, दे आर लोकलाइज्ड वॉल्केनो, दे आर अवे फ्रॉम दी प्लेट बाउंड्रीज, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दी कन्वेक्शनल सेल। ये कन्वेक्शनल सेल का पार्ट नहीं है। हमने देखा था कि आपके मेंटल के अंदर कुछ ऐसे कन्वेक्शनल सेल्स होते हैं जिसका राइजिंग लिम है, डाइवर्जिंग लिम है, डिसेंडिंग लिम है, कन्वर्जिंग लिम है, राइजिंग लिम है, डाइवर्जिंग लिम है, डिसेंडिंग लिम है और कन्वर्जिंग लिम है। तो यहाँ तो आपका वॉल्केनिज्म होगा, यहाँ तो आपका वॉल्केनिज्म होगा, बट ये किसी कन्वेक्शनल करंट सेल से एसोसिएटेड नहीं है क्योंकि ये प्लेट के बीच में है, इसलिए ये इंट्रा प्लेट है और ये किसी कन्वेक्शनल करंट सेल के साथ भी नहीं है। ये इसका जो सोर्स है ये काफी अंदर से आता है, बहुत बहुत फ्लूइड इसका मैग्मा होता है। ये क्यों आता है ये तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी नहीं समझा पाता, बस इतना पता है कि इसका लोकेशन जो है वो फिक्स है। हमने देखे रियूनियन हॉटस्पॉट, हवाइन हॉटस्पॉट, अजोर्स हॉटस्पॉट, येलोस्टोन नेशनल पार्क, गैलापागोस हॉटस्पॉट, कई सारे हॉटस्पॉट आपके अर्थ पे हैं। क्यों ये हॉटस्पॉट ओरिजिन होता है नहीं समझ आता है, बट ये हॉटस्पॉट सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ ये आइलैंड बनता है। यू कैन सी आइलैंड वन, यू कैन सी आइलैंड टू, यू कैन सी आइलैंड थ्री, यू कैन सी आइलैंड फोर। तो सीरीज ऑफ द चेन्स ऑफ द आइलैंड इज मेड बाई दिस हॉटस्पॉट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हॉटस्पॉट, वॉट इज हैपनिंग इज इफ वी टॉक अबाउट दिस हॉटस्पॉट, यहाँ पे ये हॉटस्पॉट एज अ एविडेंस यूज हुआ है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, कि ये बताता है कि प्लेट कैसे मूव हुई है। लेट अस कंसिडर लाइक दिस, सपोज सपोज यू हैव लेट से आइलैंड अलोंग इन द बिटवीन ऑफ द प्लेट, दिस इज आइलैंड वन, दिस इज आइलैंड टू, दिस इज आइलैंड थ्री। सो इट इज पॉसिबल दैट यू हैव आइलैंड वन, टू एंड थ्री बिकॉज देर वॉज वॉल्केनिक वन, वॉल्केनिज्म टू ईयर, वॉल्केनिज्म थ्री ईयर। यानी आपका हॉट कोई तो रीजन है जो प्लेट की बाउंड्री पे नहीं है, बट कोई तो रीजन है जो आपका वॉल्केनिज्म दे रहा है, इसलिए आइलैंड वन, आइलैंड टू, आइलैंड थ्री होता है। बट हमें इतना पता है कि ये जो रीजन है ये मूव नहीं हो रहा है। तो अगर आइलैंड वन यहाँ पे है, आइलैंड टू यहाँ पे है और आइलैंड थ्री यहाँ पे है और ये मूव नहीं हो रहा है, ये हॉटस्पॉट का लोकेशन फिक्स है। इफ द हॉटस्पॉट्स लोकेशन इज फिक्स, देन इफ आई हैव आइलैंड वन, आइलैंड टू एंड आइलैंड थ्री, दैट मीन्स वॉट, इफ द हॉटस्पॉट लोकेशन इज शिफ्ट, अगर आपके ट्रेस हो रहे हैं आइलैंड, इसका क्या मतलब होता है कि प्लेट मूव हुई है। तो हमें इतना पता था कि हॉटस्पॉट होते हैं, इंट्रा प्लेट होते हैं और ये लोकलाइज्ड होते हैं क्योंकि एक जगह पे कंटिन्यूस वोल्केनिज्म हो रहा है। बट आपको सीरीज ऑफ चेन दिखती है क्योंकि आपको सीरीज ऑफ चेन ऑफ आइलैंड दिखते हैं, तो क्या मूव हुआ है, आपका प्लेट मूव हुआ है। तो चेन ऑफ द माउंटेन, चेन ऑफ द आइलैंड आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। और कितने आपके आइलैंड बने हैं, एक, दो, तीन, चार, और उन आइलैंड के बीच का एज क्या है, हो सकता है एक 2 साल पहले बना,
फिर एक साल पहले बनाया, फिर एक साल पहले बना, फिर एक साल पहले बना. तो लेट्स से दिस इज 2018, दिस इज 2019, दिस इज 2020, दिस इज 2021. दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द प्लेट हैज मूव्ड अप टू दिस पॉइंट इन 4 ईयर्स. तभी तो आपके नए आइलैंड बनते जा रहे हैं कि प्लेट मूव हो रहा है और आपके आइलैंड्स बन रहे हैं. तो कितने आइलैंड्स हैं, क्या उनकी एज है, क्या वॉल्केनिक पीक्स हैं, इससे हमें पता पड़ता है कि प्लेट किस डायरेक्शन में गई और प्लेट किस रेट पे गई. अगर हम इसको देखें, यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका हवाइन हॉटस्पॉट. ये हवाइन हॉटस्पॉट ने क्या क्या ट्रेस किया है. इट हैज ट्रेस्ड एम्परर सी माउंट, इट हैज ट्रेस्ड मिडवे आइलैंड. तो ये हवाइन हॉटस्पॉट आज भी आइलैंड बना रहा है, बट हवाइन हॉटस्पॉट ने 3.8 ईयर्स मिलियन ईयर्स पहले ये आइलैंड बनाया, 2.2 मिलियन ईयर्स पहले ये आइलैंड बनाया, 1.3 मिलियन पहले ये आइलैंड बनाया, 1 मिलियन पहले ये आइलैंड बनाया. क्या हुआ, यानी ये यहाँ पे अभी भी हॉटस्पॉट हो रहा है, ये प्लेट आगे बढ़ गई, तो फिर ये हॉटस्पॉट यहाँ हुआ, फिर प्लेट आगे बढ़ गई, फिर प्लेट यहाँ हुआ, फिर ये 0.1, 0.2, 0.3 मुझे बता रहा है कि प्लेट किस डायरेक्शन में गई है और प्लेट किस स्पीड पे गई है. इंडिया में आप देखेंगे, इंडियन ओशन में आप देखेंगे, ये फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट है, इन्होंने मॉरिशस भी बनाया है, इन्होंने डेकन लावा ट्रैप भी बनाया है. यू हैव दी सेल्स रिज ऑल्सो यर बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड. फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डेकन लावा ट्रैप ऑन दी इंडिया. क्योंकि जब इंडिया साउथ हेमिस्फेयर से जा रहा था तो ये फ्रेंच रीयूनियन के पास से जा रहा था. इट वॉज पासिंग थ्रू फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट. एज इंडिया वॉज पासिंग थ्रू फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट देर वॉज वॉल्केनिज्म एंड दिस प्लेट ऑफ इंडिया हैज कम अंडर वॉट हैज कम अंडर द वॉल्केनिक सॉइल एंड देयरफॉर यू सी दैट द वॉल्केनिक सॉइल इज प्रिजर्व इन द डेकन लावा प्लेटो. तो ये है हॉटस्पॉट, एंड हॉटस्पॉट इज वॉट इंट्रा प्लेट वॉल्केनो, लोकलाइज वॉल्केनो, डीप मेंटल से उसका सोर्स होता है, ये बहुत ही फ्लूइड होता है, ये चेन ऑफ आइलैंड्स क्रिएट करता है और ये इसका लोकेशन फिक्स है. ये क्यों ओरिजिनेट हुआ है वी डू नॉट नो, द प्लेट टेक्टोनिक्स डज नॉट टॉक अबाउट इट, बट वी नो दैट इट इज ट्रेसिंग द माउंटेन्स एंड देयरफॉर इट बिकम्स एन एविडेंस ऑफ व्हाट, इट बिकम्स एन एविडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट. वेयर डू वी हैव टू फेमस हॉटस्पॉट, द फ्रेंच रीयूनियन हॉटस्पॉट एंड द हवाइन हॉटस्पॉट. सो this was from my side for today. I believe now there is sufficient course that has been done which will help you solve the MCQs that have come in your prelims examination. Aapka ek question pucha tha 2013 mein, wo pucha tha ki aap ye following elements ko consider kare: electromagnetic radiation, thermal energy, your gravitational force, plate tectonics, rotation of earth and revolution of earth. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि रेडिएशन आती है अर्थ से आती है, सन से आती है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी जो कि अर्थ के इंटीरियर से आ रही है, थर्मल एनर्जी वाटर हीटिंग अप फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड हीटिंग अप द नियर बाय सर्फेस, जियोथर्मल एनर्जी. यू हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पुलिंग द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन एंड द मून दैट पुल्स अप द वाटर एंड फॉर्म्स टाइड. We have plate movements, we have seen क्या इतनी सारी plates हैं, आपका rotate करता रहता है आपका earth, there is revolution that is going around the earth. ये सारे factors में से कौन से factors हैं जो change कर रहे हैं a surface of the earth. When I say surface of the earth, we are talking about ocean waters, we are talking about the continents, we are talking about the oceans. So what are the forces that are responsible for bringing the dynamic changes on the surface of the earth? So you have to tell me the answer. I think it should have become easy for you by now. The geomorphology some portion has been covered. As I move on, you can see the next question, that which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism. So aapke earth pe alag alag organisms bane, fish hai, reptiles hai, amphibians hai, plants hai, to kisne hamare evolution of life form ko aur organisms ko influence kiya hai. क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को और लाइफ फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया है? यू हैव टू टेल मी. क्या ग्लेशियल साइकिल्स ने लाइफ फॉर्म को इन्फ्लुएंस किया है? 2014, 2013, बोथ ऑफ द आंसर यू हैव टू पोस्ट इन द कमेंट बिलो.
Then this is a question that was in 2018, which says this is about your magnetism, Earth's magnetic field. The Earth magnetic field has reversed every few 100,000 years. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हुई है, वो रिवर्स हो सकती है, कितना पॉसिबल है ये क्वेश्चन है. जब अर्थ बना था 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, 54% ऑक्सीजन था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था. क्या ये स्टेटमेंट सही है, सोचें. और व्हेन द लाइफ फॉर्म्स, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमोसफियर ऑफ द अर्थ. जैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़े, उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया. ये 2018 का क्वेश्चन है. आप 13, 14 और 18 तीनों के आंसर पोस्ट करें तो देन विल नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर फॉर टुडे. फॉर मोर सच लेक्चर स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.